हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी सारे नू। इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे पंजाब सरकार दे विच चल रही कलर्क लीगल दी वैकेंसी बारे। आपां इस दे विच देखांगे उसका पूरा सिलेबस ते एग्जाम पैटर्न की होएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपां वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला आपां देखांगे एग्जाम दा पैटर्न। इस दे विच तुहाडा 90 नंबर दा लॉ दे रिलेटेड सिलेबस होएगा ते 30 नंबर दा होएगा जनरल नॉलेज इंग्लिश पंजाबी लॉजिकल रीजनिंग ते मेंटल एबिलिटी दे रिगार्डिंग पेपर। ते थोनू हरेक क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करन लई पूरा 1 मिनट दा टाइम मिलेगा। मतलब तुहाडे 120 ही क्वेश्चन होणगे ते उस दे लई थोनू 120 मिनट मिलणगे ते हरेक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा ते टोटल तुहाडा 120 नंबरां दा पेपर होएगा। ते हुण आपां गल करदे आं एग्जाम दी। ते पहले पॉइंट तों आपां शुरू करदे आं। ते पहले पॉइंट दे उपर मोड ऑफ एग्जाम दस्सिया गया जिवें कि तुहाडा एमसीक्यू टाइप पेपर होएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप फॉरमेट दे विच होएगा ते OMR शीट के उपर होएगा। ऑफलाइन मोड दे विच होएगा, तुहाडा कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होएगा। ते हर एक रोंग आंसर की 1/4 नैगेटिव मार्किंग होएगी। मतलब हर एक गलत आंसर के तुहाडे 0.25 नंबर कट्टे जाएंगे। ते पेपर तुहाडा टोटल 2 घंटे का मतलब 120 मिनटा का होएगा। ते पॉइंट नंबर 4 आपां पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हुण आपां पॉइंट नंबर 5 के उपर चलते हैं। तो उस तो बाद आपां देखते हैं एनेक्चर 1 ते 2 के उपर की दिता गया। एनेक्चर 1 का आप सब तो पहला पार्ट ए देखांगे जो कि थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस होएगा। मतलब थोड़े LLB के नाल रिलेटेड सारा सिलेबस होएगा जिस दे विच थोड़ा लॉ वाला पार्ट आ जाएगा सारा। तो आप शुरू करते हैं यूनिट 1 तो। यूनिट 1 के विच थोड़ा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC आ जाएगा। इसकी जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ते पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड ते बाकी सारा सिलेबस तुसी जिवें स्क्रीन के उपर देख रहे हो। इसकी मैं थोड़ा PDF डिस्क्रिप्शन के प्रोवाइड कर दाँगा, तुसी उतो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हूँ चलते हैं यूनिट 2 के उपर जो कि है थोड़ा इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC। इस दे विच थोड़ी आ जाएगी इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल सबस्टेंटिव लॉ, डेफिनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस, बाकी सारी ग्रुप लाइबिलिटी ते जॉइंट लाइबिलिटीज, पनिशमेंट्स, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ऑफेंसिज अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंसिज रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, ऑफेंसिज रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ऑफेंसिज अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड मोरल्स, कल्पेबल होमसाइड एंड मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, डाउरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, एसिड अटैक, क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग, रेप, इट्स एग्रावेटेड फॉर्म्स एंड पनिशमेंट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी एंड चीटिंग। तो हूँ आप चलते यूनिट 3 के उपर जिस थोड़ा इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाएगा। इस दी डेफिनेशंस एंड स्टैचूटरी इंटरप्रिटेशन, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ एटसेट्रा, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स कनेक्टेड विद फैक्ट्स इन इशू, एडमिशंस, कन्फेक्शंस, डाइंग डिक्लेरेशंस एंड स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट्स, एक्सपर्ट टेस्टिनोमी, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रिजम्पशंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ, एस्टोपल, कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस वगैरह आ जाएंगे। हूँ आप चलते पॉइंट नंबर 4 के उपर। 4 नंबर पॉइंट थोड़ा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा जिस डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, जूरिसडिक्शन, लैक ऑफ जूरिसडिक्शन, इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन, प्लेस ऑफ स्यूइंग, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस एंड रेस जुडिकाटा, पार्टीज टू सूट एंड फ्रेम ऑफ सूट, जॉइंडर, मिसजॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट्स, समनिंग ऑफ पार्टीज, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, हियरिंग ऑफ द सूट, फ्रेमिंग ऑफ इशूज, डिस्पोजल ऑफ सूट्स एट फर्स्ट हियरिंग एंड ट्रायल, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, कमीशन्स, उसकी अपॉइंटमेंट्स, पावर्स, फंक्शन
एंड कमीशंस एट द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस, सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस, सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक चैरिटीज, अपील्स, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंसेस, रिव्यू एंड रिविजन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, प्लीडिंग एंड ट्रायल ऑफ कमर्शियल सूट्स इन कमर्शियल कोर्ट्स। उस तो बाद यूनिट फाइव के उपर देखते हैं। यूनिट फाइव के आ जाएगा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिस प्रैम्बल, प्रैम्बुलर ऑब्जेक्टिवस, नेचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मनी बिल्स, फाइनेंस बिल्स एंड अदर बिल्स, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट जुडिशरी। उस तो बाद आ जाएगी अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट एंड गवर्नर, जिमें कि पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। उस तो बाद आ जाएगा यूनियन ते स्टेट दे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजन्स रिगार्डिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इलेक्शंस, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। ये सारा हो गया थोड़ा लॉ दे रिलेटेड सिलेबस। इस तो बाद आप देखेंगे इसका पार्ट टू, जिस दे विच जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पंजाबी, लॉजिकल रीजनिंग ते मेंटल एबिलिटी आ जाएगी। सब तो पहला जनरल नॉलेज की आप गल करिए, जनरल नॉलेज होगी थोड़ी 10 नंबर की, जिस दे विच करंट अफेयर भी आएंगे जो कि नैशनल ते इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दे होंगे। इस दे विच थोड़ा पोलीटिकल इशूज, इनवायरमेंटल इशूज, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकनोमिक इशूज, हिस्टरी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्पोर्ट्स, सिनेमा ते लिटरेचर। इस तो बाद आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग ते मेंटल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग ते मैथ्स थोड़ा 10 नंबर का होएगा, जिस दे विच रीजनिंग दे विच थोड़ा वर्बल ते नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। वर्बल रीजनिंग दे विच थोड़ी कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासीफिकेशन सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइम टेस्ट, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ते नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच थोड़ा सीरीज, एनालॉगी ते क्लासीफिकेशन आ जाएंगे। इस तो बाद आप इहदा मैथ वाला पार्ट देखते हैं, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन ते डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे। तो उस तो बाद आप इंग्लिश वाला पार्ट देखा, इंग्लिश जो कि थोड़ा टोटल 5 नंबर का होगा। इस बेसिक ग्रामर, सब्जेक्ट एंड वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन इन सेंटेंसेस, idioms and their meanings, spell checks, adjective, article, preposition, direct and indirect speech, active and passive voice, the correction in sentences आ जाएंगे। उस तो बाद पॉइंट नंबर 4 के ऊपर थोड़ी पंजाबी दी गई, जो कि टोटल 5 नंबर दी होएगी, जिस दे विच थोड़ा शुद्ध शब्द, शब्द जोड़, अगेतर ते पिछेतर, समानार्थक ते विरोधी शब्द, नाम पड़नाव, क्रिया दी किस्मा ते उन्हां दी सही वरतों, लिंग ते वचन, पंजाबी अखाण ते मुहावरे, अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद ते बहुते शब्दों की थां एक शब्द आदि आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा टोटल 30 नंबर का होएगा, मतलब पार्ट ए ते पार्ट बी नूं मिला के टोटल थोड़ा 120 नंबर का पेपर होएगा, जिसनों अटैम्प्ट करन लई तुहानूं टोटल 120 मिनट ही मिलणगे। वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जे वीडियो चंगी लगे तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।